29 अक्टूबर 2018, लाइनर फ्लाइट 610 एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी फ्रॉम जकार्ता टू पंकल पिनांग इन इंडोनेशिया। ये एयरप्लेन ऑलमोस्ट न्यू था। इस प्लेन का मॉडल था बोइंग 747 मैक्स, जो कि फेयरली न्यू मॉडल था बोइंग का। प्लेन टेक ऑफ करने के 13 मिनट्स बाद कुछ अनयूजुअल होना शुरू हो जाता है। प्लेन की फ्रंट नोज डाइव करना शुरू कर देती है। पायलट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू कंट्रोल द प्लेन, लेकिन इट वॉज नॉट इनफ। प्लेन क्रैश कर जाता है जावा सी के अंदर, किलिंग ऑल 189 पीपल ऑन बोर्ड। ये होता है बिकॉज ऑफ द न्यू सिस्टम। इस सिस्टम का नेम था एमकेएस। बोइंग ने इस सिस्टम को एयरप्लेन में फिट कर दिया था बिना किसी को बताए। किसी भी पायलट को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और यह सिस्टम उस दिन फेल कर गया। इस इंसिडेंट के बाद बोइंग कंपनी के शेयर प्राइसेस गिर गए और उनकी रेपुटेशन फॉर सेफेस्ट प्लेन्स भी खत्म हो गई।